कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा, लेट अस बिगिन नाउ। वेक्टर्स की बात कर रहा हूं बच्चा, तो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं बच्चा। एक तो क्या स्केलर, एक वेक्टर और एक मेरे पास क्या होता है बच्चा टेंसर। तो सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपकी हाइट, वेट, ठीक है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है विशांत, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे बोलते हैं हम स्केलर, और वेक्टर उसे बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल बताऊं मैग्नीट्यूड होता क्या है, सुनो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट 65 kg है, मैं बोल रहा हूं मेरा वेट 65 kg है, तो 65 तो क्या है मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू असाइन कर रहा हूं वो तो क्या होता है बच्चा मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरी रफ्तार 50 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 50 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया। रीजॉइन कर लो बच्चा हरमन। और मैं बोल रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 50 किलोमीटर पर आर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ क्या हो गया बच्चा मेरे पास डायरेक्शन हो गई। अगर मैं बोल रहा हूं सिंपल मैं जा रहा हूं 50 किलोमीटर पर आर तो वो कहलाएगी मेरे पास स्पीड या स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं 50 किलोमीटर पर आर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। तो सिर्फ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम बोलते हैं स्केलर। और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अरे स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, शेयर तो हो रही है स्क्रीन यार। यार बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं चक्कर क्या है, बैकअप मेरा सिस्टम ही सारा बिगाड़ दोगे तुम लोग। चलो भाई मैं बता रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास क्या होती है, ऐसी कोई चीज, अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश, ठीक है जी। ऐसी कोई चीज जिसके हम नाप सकते हैं वो क्या है बच्चा मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर वो चीज है जिसमें सिर्फ वैल्यू हो डायरेक्शन ना हो, जैसे मैंने बोला 65 kg, तो 65 kg वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है कि मेरा वेट नॉर्थ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, डायरेक्शन असाइन नहीं है उसमें मेरे पास, ठीक है जी। और वेक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ में, तो 50 तो क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ क्या होगी उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है बच्चा। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तीसरी चीज जो इनके अंदर होती है बच्चा वेक्टर के अंदर, वो होता है क्या, दे फॉलो
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हां जी इशिता जी बोलो। इशिता जी हाथ खड़ा किया आपने। अरे यार कोई बात नहीं, सुनो बच्चा, वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन है, सुन लो भाई, वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन है आपके पास। एक तो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चा, उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तीसरी चीज उसके पास क्या होना चाहिए, दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी मैं बोलूंगा उसको वेक्टर बोलूंगा, ठीक है। अब टेंसर की बात करते हैं। टेंसर के अंदर बच्चा क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा। तो तीन कैटेगरी बांट दिया मैंने आपको, ठीक है जी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो भी करेंगे। टेंसर के अंदर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब एग्जांपल की बात करता हूं मैं। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चा सबको, बेसिक बात है बिल्कुल, ये किसी को डाउट है इसमें? जो नए बच्चे हैं बताओ भाई। लवीना, ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। अब एग्जांपल की बात करते हैं बच्चा। इसमें स्केलर का जो एग्जांपल है मेरे पास बच्चा, वो है मेरे पास, जैसे स्केलर का एग्जांपल बताता हूं आपको, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, वर्क, ये सारे एग्जांपल है मेरे पास इसके स्केलर के। वेक्टर के एग्जांपल जो मेरे पास है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे एग्जांपल है बच्चा, ठीक है जी। और टेंसर का जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बच्चा, उसका एग्जांपल है करंट। करंट के पास वैल्यू भी होती है कि 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, डायरेक्शन भी होती है कि इधर से उधर फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। एक हम बात करेंगे MOI की, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। वो भी क्या होता है, टेंसर। ये आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये बेसिक एग्जांपल मैंने दे दिए। अब हम बात करते हैं प्योरली जो कंसंट्रेट करेंगे बच्चा, हम किस पे करेंगे बच्चा, वेक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे। MOI का फुल फॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में आएगा बच्चा, अभी नहीं आएगा, ठीक है जी। सुनो, फिलहाल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं बच्चा किस पे, वेक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे हम लोग पूरा पूरा। तो सबसे पहली चीज जो है कि हमारे लिए वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो वेक्टर इंपॉर्टेंस देखते हैं किस चीज से। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है, मैंने केस वन में इस पे फोर्स लगाई ऐसे एफ और एक फोर्स लगाई ऐसे एफ। दूसरे केस में मान लो मैंने फोर्स लगाई इससे बच्चा एक एफ ऐसे लगाई, दूसरी एफ भी ऐसे लगाई। ये केस वन है और ये केस टू है। तो ये बताओ बच्चा दोनों में क्या है, दोनों केसेस के अंदर दो फोर्स लग रही हैं, उन दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, एफ है। सिर्फ फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। तो फर्स्ट केस में बताओ ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है जी। सेकंड केस में
सेकंड केस में चलेगा। तो देखो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। मैंने सेम फोर्सेस लगाई लेकिन मैंने सिर्फ डायरेक्शन बदल दी। एक केस में वो रेस्ट पे रहेगा, दूसरे केस में वो एक्सीलरेट करेगा। तो डायरेक्शन बदलने पे इनका स्टेट ऑफ मोस्ट स्टेट जो है वो अलग पाया गया। पहले ये रेस्ट पे था, बाद में ये एक्सीलरेट कर रहा है। तो इसीलिए डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे लिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, किससे, एक लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये लाइन है, इस लाइन पे हम क्या बना दें, एक एरो बना दें। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेक्टर का। ठीक है जी, अब इस लाइन पे एक एरो दिख रही है, तो एरो को बोलते हैं हम क्या, हेड बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। और जो इसका बैक एंड है मेरे पास, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेल, टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, अब वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कैसे मानेंगे इसकी, हम बोलेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी टेल से हेड की तरफ, या फिर टेल टू हेड बोल दो आप। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, एरो। एरो को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, और इसके जो बैक एंड ऐसे क्या बोलते हैं, हम टेल बोलते हैं। अब इस लाइन की कुछ लेंथ भी है मेरे पास, इस लाइन की कुछ लेंथ भी है, उस लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ लाइन मुझे बताएगी मैग्नीट्यूड। किसने कुछ लिखा है क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो दो लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो एक तो लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, ठीक है जी, और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। तो इन दोनों वेक्टर में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का या बी का, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का या बी का, बच्चा बी का बड़ा है। देखो, क्योंकि देखो लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो बताती है मुझे मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो बी की लेंथ बड़ी है, इसका मतलब बी वेक्टर मेरे से, बी वेक्टर बड़ा है किससे, ए वेक्टर से, ठीक है जी। डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन ए और बी की सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड ए का, सॉरी मैग्नीट्यूड बी का बड़ा है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो सुनो, ए वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये तो होगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, हम या तो कैपिटल यूज कर लो लेटर्स को, या स्मॉल कर, दोनों अलाउड है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर, ए बना के ऊपर एरो लगा दूं, या छोटा ए लिख के भी एरो बना दूं, या बी लिख के बना दूं, या छोटा बी लिख के बना दूं, सब चीजें जायज है। बट ये पाप मत करना कि बी वेक्टर बना के एरो पुट्ठा बना दो ऐसे, ये पाप है, बाकी सब अलाउड है। तो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट समझ में आ गया, और सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते समझ में आ गया बच्चा, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलो वो तो बता देना बच्चा जहां पर कोई दिक्कत आए। अब सुनो बच्चा, सुनो, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं बच्चा, कोई भी, सब अलाउड है अल्फाबेट, ठीक है जी, छोटा बड़ा सब, कैपिटल स्मॉल सब अलाउड है। अब जो टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं बच्चा, हां जी मोना जी बोलो, हाथ खड़ा किया आपने, हां जी मोना, ओके, कोई बात नहीं बच्चा,
चलो सुनो, अब जो मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूं बच्चा, वो डिफाइन कर रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल को डिफाइन करना देखना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो सुनो एंगल डिफाइन कैसे करते हैं, सुन लो पहले, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जितिन रीजॉइन कर ले भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन व्हेन देयर व्हेन आइदर आइदर देयर टेल tails meet or their head meet, heads meet. समझाता हूं क्या पंडा, देखो सुनो, एंगल डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर के बीच में एंगल डिफाइन करना है तो उनकी या तो पूंछ से पूंछ मिले, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, दूसरा वेक्टर मान लो बी ऐसे है, तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चा, इस पॉइंट पे दोनों के टेल से टेल मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बी का भी टेल है और ए का भी टेल है, तो जिस पॉइंट पे दोनों के टेल से टेल मीट करेंगे वहां जो एंगल बनेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है जी। या फिर ऐसे देख लो बच्चा, ये मान लो ए वेक्टर और ये मान लो बी वेक्टर है, तो इस पॉइंट पे दोनों के हेड से हेड मीट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास, ए और बी के बीच में एंगल कहलाएगा। तो एंगल जो है बच्चा टेल टू टेल या हेड टू हेड, गुड शाबाश। रियलमी नाम चेंज कर लो भाई, देखो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चा प्लीज, ठीक है, जो भी बच्चा एंटर कर रहा है प्लीज अपने नाम के साथ एंटर करें, कल परसों एक बंदा फेक आ गया था, शुभम नाम बताया था उसने मेरे को, शुभम था ही नहीं वो, ऐसे क्लास भी बंद कर दूंगा मैं यार, ऐसे ऐसे करोगे तुम लोग, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट है प्लीज अपने नाम के साथ आए, वो भी ट्रू नेम, किसी और का नहीं। तो सुनो बच्चा, हम जो पढ़ते हैं बच्चा मोस्टली पढ़ते हैं हम फ्री वेक्टर्स, क्या पढ़ते हैं फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स का मतलब ये नहीं जो फ्री में मिल जाए, ठीक है जी। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई इश्यू नहीं, फ्री वेक्टर्स का मतलब है बच्चा जिनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, जिनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब क्या है सुनो, मान लो ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं यहां की जगह आगे बना सकता हूं, इसको पीछे बना सकता हूं, इसको नीचे बना सकता हूं, इसको ऊपर बना सकता हूं, एज लॉन्ग एज मैं अब इसकी डायरेक्शन ना बदलू, ए वेक्टर को मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी बना सकता हूं बच्चा, बस मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वेक्टर बोलते हैं बच्चा, समझ में आ रहा है ये फ्री वेक्टर फंडा। वेक्टर को फ्रीली आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा बच्चा समझ में ना आए कंसेप्ट, शर्माना मत, नए बच्चे जो हैं बता दो, लवीना ठीक है बच्चे, अब देखो सुनो, मान लो मैंने आपको दो वेक्टर दिए ऐसे, मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ये ए वेक्टर है
और एक वेक्टर बी यहां पे है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि बताओ इनके बीच में एंगल निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल निकालने के लिए दोनों के टेल से टेल मीट करनी चाहिए या हेड से हेड मीट करना चाहिए बच्चा, ठीक है जी। तो मैं क्या करूं इसको, मैं ए को शिफ्ट कर लूं, ए को शिफ्ट कर लूं मैं ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर लूं यहां पे, ए को पैरेलली शिफ्ट कर लूं ऐसे, कर लिया शिफ्ट मैंने इसको, तो अब जो एंगल बनेगा बच्चा वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और मैं शिफ्ट क्यों कर पाया, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है। हाँ गुड, शाबाश। अभी मैंने क्या मीट कराया, मैंने इसमें मीट कराया टेल से टेल, टेल टू टेल मैंने मीट कराया इसमें। अगर मैं चाहता कि मैं हेड से हेड मीट कराऊं तो कैसे पॉसिबल है बच्चा ये, अगर हेड से हेड मीट कराना तो कैसे पॉसिबल है ये, मैं ड्रॉ कर दिखाता हूं आपको, ठीक है जी। बी को शिफ्ट करके, ठीक है जी। देखो बच्चा सुनो, ए को ही मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, मतलब ये ए दिख रहा है आपको, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूं। देखो जैसे मान लो ये ए है, इस ए को मैं नीचे शिफ्ट कर लूं पहले ऐसे, नीचे शिफ्ट कर लिया, फिर इसको पैरेलली शिफ्ट कर लिया ऐसे, पहले ए को नीचे शिफ्ट किया, फिर मैंने इसको नीचे पैरेलली शिफ्ट कर लिया, तो ये जो एंगल आएगा बच्चा, ये मेरे पास एंगल आएगा थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है, अगर शिफ्टिंग करना आता है तो आप कर सकते हो, किसी को शिफ्ट कर लो, बी को कर लो या ए को कर लो, जो मर्जी आपका मन पड़े कर लो, लेकिन आपको टेल से टेल मीट करानी है या हेड से हेड मीट कराना, तभी एंगल डिफाइन होगा बच्चा। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं इस पे, एंगल पे, ठीक है जी, वो आप सबको करने होंगे एंगल पे सवाल, ठीक है। तो मैं आपको सवाल देता हूं, सब लोग जवाब देना मेरे को, ठीक है जी। मान लो ये मेरे पास B वेक्टर है, क्या है, B वेक्टर, और ये मेरे पास है A वेक्टर। अब यहां पे एंगल दे रखा है 70 डिग्री, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ A और B में कितना एंगल है, साक्षी सही बोल रही है, अंकुश सही बोल रहा है, सब लोग सही बोल रहे हैं लगभग, जो नए बच्चे हैं बताओ भाई, ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है। जो नए बच्चे हैं सुन लो भाई, देखो इस लोकेशन पे सुनो भाई, गुड गुड, शाबाश। देखो बच्चा, ठीक है, अभी यहां पे इस पॉइंट पे बच्चा बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे बात करूं तो इनका एक का हेड है और दूसरे का टेल है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, बी को आगे शिफ्ट कर लूं, बी को आगे शिफ्ट कर लिया तो बच्चा क्या बन जाएगा, अब इस पॉइंट पे दोनों के क्या मिल जाएंगे बच्चा, टेल से टेल मीट कर जाएंगे, तो ये एंगल जो आएगा बच्चा ये कहलाएगा मेरा एंगल बिटवीन ए एंड बी। आप जानते हो स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये एंगल एक्स होता है, तो ये क्या होता है 180 माइनस एक्स, तो ये 70 है, तो ये क्या होगा 110 होगा मेरे पास, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा बच्चा, 110। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को, नए बच्चे जो खासकर बताओ भाई, जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चा बता दो, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको,
फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए एंड सी. गुड बच्चा, शाबाश. ठीक है, सब लोग सही कर रहे हैं लगभग. ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड. गुड साक्षी, अलीशा, शुभदीप सही है, गुड. भाई क्लास का पता नहीं कितने बजे तक है मुझे, जब तक मेरा मन करता पढ़ाऊंगा. ठीक है जी, चलो. गुड रोहित, शाबाश. चलो करते हैं, सुनो. देखो बता दूं बच्चों को, सुनो इस पॉइंट. अरे एक्सप्लेनेशन तो बच्चों को, कुछ बच्चों को नहीं भी आया होगा, पक्की बात है. सुनो, ए और बी की बात कर रहा हूं बच्चा मैं. तो इस पॉइंट पे ए का तो हेड है और बी का टेल है, तो ए को एक्सटेंड कर लूं ऐसे, तो ये एंगल आएगा 90. ठीक है बच्चा. और मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो इसके बी का हेड है और सी का टेल है, बी का हेड और सी का टेल, तो बी को एक्सटेंड कर लूं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 120. ये मेरा एंगल किसके बीच में, बी और सी के बीच में. अब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे सी का हेड और ए का टेल, तो आगे एक्सटेंड कर लूं, तो ये कितना आ जाएगा 150. तो आंसर क्या आएगा, 90, 120 एंड 150. दैट इज क्वाइट ईजी आई गेस. ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं बच्चा. ठीक है जी, ये मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है. क्या है, रेगुलर हेक्सागन है. ठीक है, ये वेक्टर मेरे को दे रखा है बच्चा, ये वेक्टर दे रखा है ए, ये वेक्टर दे रखा है बी, ये वेक्टर दे रखा है सी, ये दे रखा है डी, ये दे रखा है ई और ये दे रखा है एफ. अब आपसे पूछा गया बच्चा, एंगल बताओ ए और बी के बीच में, एंगल ए और सी के बीच में. ये स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई, एक बार रुको, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो रही है एक बार. ये रोज पंगा पड़ता है, इंक टू शेप यूज करो तो ये दिक्कत आती है. मैं स्टार्ट करता हूं बच्चा, एक सेकंड रुको. ए और बी में पूछा है बच्चा, एक तो आपसे, एक पूछा है ए और सी के बीच में और एक ए और डी के बीच में, एक ए और एफ के बीच में और एक सी और ई के बीच में. सब लोग आंसर निकाले बैठ के, शाबाश. चलो एक मिनट दे रहा हूं, ट्राई कर लो सब लोग, फिर मैं कराता हूं. चलो गुड है, सबका सही आ रहा है लगभग. ठीक है जी, गुड, शाबाश बच्चा. चलो करते करते, शाबाश. चलो अब मैं करा रहा हूं, सुनो.
ये पॉइंट ए और बी के बीच में है। सुनो भैया अब आंसर छोड़ दो, तुमने सही आंसर तुमने दिया था, कोई बात नहीं। शुभदीप सही है, शाबाश। नहीं बच्चा सुनो, अरे बस करो आंसर देना यार। चलो इस पॉइंट पे ए का हेड और बी का टेल मीट कर रहे हैं, तो ए को एक्सटेंड कर लूं, मुझे पता है ये एंगल कितना है, 120 होता है हेक्सागन में, ये 120 है तो ये कितना होगा बच्चा, 60 होगा। तो ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा बच्चा मेरे पास वो क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये सबका सही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी, अब बात करता हूं किसकी, ए और सी की। ए और सी की, क्या ए और सी कनेक्टेड है आपस में? पहले जवाब दो, ए और सी कनेक्टेड है क्या? नहीं है तो क्या करें? अगर वो कनेक्टेड नहीं था एंगल कैसे निकालें? शिफ्ट कर दें। गुड, शाबाश। खुशबू जी सही बोल रही हैं, जतिन सही बोल रहा है। तो इस सी को मैं शिफ्ट कर दूं, इस सी को उठा के ले आया मैं ऐसे, तो सी को उठा के ऐसे ले आया मैं, तो ये सी बन गया मेरे पास। अब मुझे पता है सी और ए इस पॉइंट पे इनके क्या मीट कर रहे हैं, टेल से टेल मीट कर रहे हैं बच्चा, तो एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा इनके बीच में। तो ए और सी में एंगल कितना आ गया, 120। अरे ये बात चमक गई सबको, एफ पैरेलल है, यस। ठीक है जी, लेकिन एफ और सी एंटी पैरेलल है बच्चा, ध्यान रखना एफ और सी एंटी पैरेलल है। एफ मेरा यू जा रहा है और सी मेरा यू है, एफ और सी एंटी पैरेलल है, ध्यान रखना। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? लवीना ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं ए और डी की। ए और डी की, तो डी देखो ए ऐसे है, ए मेरा ऐसे है और डी मेरा ऐसे है, तो ये कैसे है बच्चा, एंटी पैरेलल। कैसे है? एंटी पैरेलल। दो चीजें होती हैं, एक तो पैरेलल होता है मेरे पास, इसे बोलता हूं मैं पैरेलल, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो बोलता हूं पैरेलल, और दोनों अपोजिट में जाए तो क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। तो अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और दो चीजें एंटी पैरेलल हो तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए और डी में एंगल कितना आएगा बच्चा, 180 डिग्री। ठीक है, शाबाश। अब बात करते हैं ए और एफ की। ए और क्या बोला मैंने, एफ है, ई है, एक सेकेंड, ए और एफ में निकालना है, हाँ ए और एफ में एंगल निकालना। तो F मेरा देखो ये ऐसे है, ये मेरा F है, यहां पे F का तो हेड है और A का टेल है, तो इसे एक्सटेंड कर लूं, ये 120, तो ये कितना आएगा बच्चा, 60 डिग्री। तो A और F में कितना आ गया बच्चा, 60 डिग्री। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? बताओ भाई। अरे मेरा एम क्या है, तुम्हें सिखाना। ठीक है जी, अगर चलो ठीक है, अब बात करता हूं सी और ई में। सी और ई में, तो सी तो मेरा कौन सा, ये वाला है, सी को शिफ्ट कर ले हम लोग। क्या सी और ई कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड नहीं है तो क्या करें, शिफ्ट कर ले। कनेक्टेड ना हो तो शिफ्ट कर ले, तो C को शिफ्ट कर लूं, तो C तो मेरा ऐसे है और E मेरा ऐसे है। अब बताओ इस पॉइंट पे C और E के हेड मीट कर रहे हैं, टेल मीट कर रहे हैं? C और E के हेड मीट कर रहे हैं या टेल मीट कर रहे हैं? हेड मीट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो एंगल डिफाइन है मेरे पास। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, यही वाला एंगल आएगा और आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री। इतनी बात चमक गई सबको? ठीक है बच्चा, तो मैंने एंगल निकालना सिखा दिया आप लोगों को। ठीक है जी,
दो वेक्टर के एंगल निकालने के लिए या तो वो कनेक्टेड हो, कनेक्टेड ना हो तो उनको पैरेलली शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो ताकि दोनों के सर से सर मिल जाए या पूंछ से पूंछ मिल जाए, तब जो उनके बीच में एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर के बीच में मिनिमम कितना एंगल हो सकता है और दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है। गुड गुड गुड, शाबाश, सबको पता है ये, शाबाश, सबको पता है ये, बताओ। चलो फिर देख लेते हैं, फिर को सुनो, मिनिमम एंगल कब पॉसिबल है बच्चा, जब दोनों कैसे हों, पैरेलल हों, ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, जीरो। मैक्सिमम एंगल कब आएगा, जब दोनों कैसे हों, एंटी पैरेलल, कैसे हों, एंटी पैरेलल, तो एंगल कितना आएगा, 180 ज्यादा एंगल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम ये स्मॉलर वाला एंगल लेंगे हमेशा, तो जो मिनिमम एंगल होता है मेरे पास वो होता है 0 डिग्री और जो मैक्सिमम एंगल होता है बच्चा वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल की चर्चा हमने पूरी खत्म कर दी है इसमें, ठीक है जी। यहां तक किसी बालक को किसी प्रकार का कोई कष्ट है बता दो मुझे, ठीक है, चलो अब सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल चर्चा कर लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, ठीक है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए टाइप ऑफ वेक्टर का हमें, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास आता है बच्चा, वो आता है मेरे पास इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को मैं इक्वल कब बोलूंगा, दो वेक्टर को मैं इक्वल मान बोल रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बोल रहा हूं, तो ये कब इक्वल होगा, जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी, क्योंकि वेक्टर बनता किससे है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से बनता है, तो दोनों वेक्टर के जब लेंथ बराबर हो यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो क्या बोलते हैं, उन्हें इक्वल बोलते हैं। अब से मैंने वेक्टर लिखता हूं, मैं ए वेक्टर लिखता हूं, तो उसी तरह मैं एक डिनोशन यूज करता हूं किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, मैं क्या लिखता हूं, मॉड ए, मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की लेंथ देगा ये, क्या देगा, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली मॉड बी का मतलब क्या होगा, मॉड बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बात चमकी, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ठीक है, चल अब नेक्स्ट जो आता है मेरे पास बच्चा, वो क्या आता है मेरे पास, नेगेटिव वेक्टर, क्या आता है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव मतलब कैसे, मान लो आपको ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर आपका ऐसे बना रखा है मान लो, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ माइनस ए वेक्टर कैसा होगा, तो नेगेटिव साइन इन वेक्टर, नेगेटिव
साइन इन वेक्टर इंप्लाइज चेंज द डायरेक्शन, उसे बिल्कुल अपोजिट कर दो। ए वेक्टर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो माइनस ए कैसे जाएगा, राइट टू लेफ्ट, तो ये होगा मेरे पास माइनस ए। तो डायरेक्शन पलटने का काम करता है, नेगेटिव साइन क्या करता है, डायरेक्शन को पलटने का काम। अगर आप ऊपर जा रहे थे वेक्टर ए ऐसे था ऊपर, तो नेगेटिव ए वेक्टर कैसा होगा, नीचे होगा। तो डायरेक्शन को पलटने का काम करता है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव वेक्टर जो है बच्चा, उसका काम सिर्फ डायरेक्शन पलटना है। अच्छा ये बताओ, क्या इससे नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड फर्क है क्या, या मैग्नीट्यूड सेम है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बच्चा, ठीक है जी। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए वेक्टर, याद रखना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए वेक्टर, ये याद होना चाहिए, ठीक है जी। नेगेटिव वेक्टर के बाद बच्चा मेरे पास क्या आता है, एक आता है नल वेक्टर। क्या आता है? नल वेक्टर। नाम में नल है, इसे नल बोल देते हैं या जीरो बोल देते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन आर्बिट्री। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन आर्बिट्री। ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुनो, मैंने आपको बताया था बच्चा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट से, किससे, लाइन सेगमेंट से करते हैं रिप्रेजेंट। तो अब लाइन की कुछ लंबाई है मेरे पास, ठीक है जी। अगर मैं इस लेंथ को जीरो करूं तो ये लाइन घट 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 के क्या आ जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगी। तो एक ऐसी लाइन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, एक ऐसी लाइन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या बन जाएगा बच्चा, पॉइंट बन जाएगा बच्चा, मानते हो? तो नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पॉइंट से। बाकी सभी वेक्टर को करते हैं हम किससे, लाइन सेगमेंट से करते हैं, लेकिन नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पॉइंट से करते हैं। अब मुझे पता है एक लाइन की डायरेक्शन या तो ऐसे पॉसिबल है या ऐसे पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट की कोई डायरेक्शन होती नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, डायरेक्शन इज आर्बिट्री, मतलब जो मन पड़े वो डायरेक्शन आप मान सकते हो नल वेक्टर की। बात चमकी? चलो, तो ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई जीरो हो, डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ये बनते कब है, जब ए वेक्टर में मैं जोड़ दूं माइनस ए वेक्टर, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो वेक्टर, याद रखना, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या है, नल वेक्टर। अब जो नेक्स्ट वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वो पढ़ने जा रहे हैं को लीनियर वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, को लीनियर वेक्टर। देखो बच्चा, को का मतलब क्या होता है, सेम। को का मतलब सेम, लीनियर मतलब सेम लाइन, मतलब लाइन पे। तो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई करे, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, को लीनियर वेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो हाँ जी, कर लो चारों जी, स्क्रीन पॉज होगी तो रिज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विशांत जी सही बोल रहे हैं, साक्षी अलीशा सही बोल रही है, बाकी लोग सुन लें। सुनो बच्चा देखो, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं ये ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो
बताओ क्या ये कोलिनियर है? बताओ भाई क्या ए और बी कोलिनियर है? ठीक है, हम इन्हें पैरेलली शिफ्ट करके एक ही लाइन पे ला सकते हैं ना, इनको पैरेलली शिफ्ट करके एक ही लाइन पे ले आएंगे। तो बी को शिफ्ट कर लूं तो मैं इसी पे लाइन पे ले आऊंगा बच्चा मैं, तो ये दोनों कैसे हैं? कोलिनियर है। अगर मैं ड्रॉ करता, मान लो ये ए है और मान लो ये बी वेक्टर है, तो बताओ क्या ये कोलिनियर है? हाँ जी, गुड, शाबाश। तो ये भी कोलिनियर है, ठीक है। बी को शिफ्ट कर लूं पैरेलल तो बी एक ही लाइन पे आ जाएगा बच्चा। तो देखो बच्चा, पहले केस में ए और बी कैसे थे? पैरेलल थे। क्या थे? पैरेलल थे। दूसरे केस में ए और बी कैसे थे? एंटी पैरेलल थे। तो दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो वो क्या कहलाएंगे बच्चा? कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है बच्चा। तो इफ द वेक्टर आर आइदर कोलिनियर और एंटी पैरेलल, देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर, ठीक है बच्चा। क्या सारे फ्री वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं? अच्छा एक बात सुनो, इनका जवाब देखो। स्नेहा जी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही है, ठीक है जी। वो कह रही है कि क्या सारे फ्री वेक्टर कोलिनियर होंगे? जवाब दो सब लोग। ओहो, कुछ लोग आपके आपसे इत्तेफाक रखते हैं कुछ लोग आपसे, ठीक है जी। अरे अभिराज, हेलो अभिराज, आज पहली बार आए हो क्या क्लास में? कभी नाम देखा नहीं मैंने आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलर रहो भाई। नाम याद ही नहीं आपका, पहली बार देखा मैंने आज। या तो आप आंसर नहीं करते हो, पक्की बात है। सुनो बच्चा, देखो जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है, तो ये फ्री वेक्टर, क्या मैं इन्हें शिफ्ट करके एक ही लाइन पे ला सकता हूं मैं? क्योंकि शिफ्टिंग तो सिर्फ पैरेलल ही अलाउड होती है मेरे पास, इनका एंगल चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो शिफ्टिंग करने के बाद भी मैं इन्हें एक लाइन पे नहीं ला सकता, तो इसका मतलब ये है कि हर फ्री वेक्टर, सारे फ्री वेक्टर जो है बच्चा वो कोलिनियर नहीं होते। वही फ्री वेक्टर जो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है वही मेरे पास क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, डाउट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, कोप्लेनर की बात करते हैं। को का मतलब आप जानते हैं बच्चा, आप क्या होता है को? मतलब सेम। प्लेनर मतलब क्या होता है बच्चा? सेम प्लेन में, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करे। अब मैं समझा रहा हूं आपको, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं है, ठीक है जी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो चीज, जो वेक्टर एरोप्लेन में उड़ेंगे ना वही क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ऐसे भी बच्चे हैं क्या जो सोच रहे हैं? देखो बच्चा सुनो, प्लेन मतलब क्या होता है? 2D फिगर। प्लेन मतलब 2D फिगर। अब मैं जिस पेज पे लिख रहा हूं बच्चा, जिस पेज पे मैं लिख रहा हूं, लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख रहा हूं एक्चुअली, तो ये स्क्रीन 2D है 1D है? टू डी है, शाबाश, ठीक है जी। तो कोई भी 2D चीज है, जैसे आप नोट्स कॉपी कर रहे हो, अपने पेज पे लिख रहे हो, तो वो पेज क्या है बच्चा? एक प्लेन है। पेज क्या है बच्चा? एक प्लेन है। तो
2D फिगर को क्या बोलते हैं, प्लेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेनर। तो अब ऐसे वेक्टर, मैं इस पेज पे मान लो मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए ऐसे और बी ड्रॉ किया ऐसे, तो ड्रॉ तो मैंने इसी पेज पे किया ना ये, तो ये एक पेज क्या है, एक प्लेन है मेरे पास, तो ए और बी कैसे हैं, सेम प्लेन में है डिफरेंट प्लेन में है? सेम में बच्चा, ठीक है गुड। तो बच्चा अगर एक 2D फिगर के अंदर मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं वो सारे कैसे होंगे बच्चा, सेम प्लेन में होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, को प्लेनर कहलाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब सुनो बच्चा, मैं एक सिंपल पॉइंट पूछता हूं मैं आपसे, क्या दो वेक्टर हमेशा को प्लेनर होंगे? ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, ठीक है, सबको आंसर याद है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलो सुनो, देखो इसका आंसर, देखो सुनो, नहीं होंगे, चलो तुम बोल तो रहे हो पर रीजन दाओ मुझे क्या है इसका। देखो वेक्टर हमारा दो टाइप के होते हैं, सुनो पहले सुन लो पापियों एक बार, वेक्टर मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। स्नेहा को सब कुछ याद है, वेरी गुड, शाबाश। वेक्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं मेरे पास, एक तो फ्री वेक्टर और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर वो जिसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, फ्री वेक्टर वो जिसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, लोकलाइज्ड वो वेक्टर जो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब यहां से स्टार्ट किया तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते लोकलाइज्ड वेक्टर को, ठीक है जी। तो सुनो बच्चों, जलंधर की साइंस सिटी में ना रेस, क्या बोल रही है ये, चलो सुनो। देखो बच्चा, देखो अगर मेरे पास दो वेक्टर फ्री हैं, सुन लो भाई एक बार, दो वेक्टर फ्री हैं मान लो, तो क्या वो हमेशा, अगर मैं बात कर रहा हूं फ्री वेक्टर की, दो वेक्टर वो फ्री है मान लो, तो क्या वो हमेशा कोप्लेनर होंगे? एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी कोई आंसर दे ही नहीं रहा, सबको सांप सूंघ गया है क्या, कोई नो कोई यस, सब टाइप के बालक उपलब्ध है यहां पे, सुनो। नो हमेशा नहीं, ठीक है, रुको 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 दुनिया के लोगों, चलो सुनो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं एक बार, रुको सुनो, अरे वीडियो ऑन कर लेते एक बार भाई, रुक जाओ चैट मत करो एक बार प्लीज, हेलो अरे बच्चा सुनो। देखो भाई अगर मान लो एक वेक्टर जो है बच्चा यहां पे, मान लो मेरे ये उंगली एक वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये यहां पे है, ये इससे आगे, अगर ये मेरे पास ऐसे है, ये प्लेन मान लो मेरा हाथ, क्या मान लो, प्लेन मान लो, और ये उंगली उस हाथ में, ये मान लो हाथ प्लेन दिख रहा है बच्चा, ये दो पेन ले लेता हूं रुको मैं, ये मेरे पास एक वेक्टर है इस प्लेन में है और दूसरा वेक्टर यहां पे यहां कहीं है, ठीक है जी, और ये फ्री वेक्टर है, तो फ्री वेक्टर है तो शिफ्ट कर लूंगा इसको मैं पैरेलली और ले आऊंगा मेरे हाथ के प्लेन में ले आऊंगा, मानते हो बच्चा, अगर वेक्टर फ्री है तो मैं उसको शिफ्ट करके इसी प्लेन में ले आऊंगा, तो अगर फ्री वेक्टर है बच्चा तो वो हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे बच्चा, मानते हो, तो दो वेक्टर अगर वो फ्री है बच्चा तो वो कैसे होंगे, कोप्लेनर, बात चमकी या नहीं चमकी,
कितने लोगों बात समझ में आ रही है भाई कि अगर मेरे पास नहीं आई लक्ष्य समझ में नहीं आया लक्ष्य बता दे भाई नहीं आया लक्ष्य को नहीं आया अंकुश बाय क्यों कर रहा है भाई बस खत्म कर रहा हूँ 5-10 मिनट बच्चा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी समझा दूं टॉपिक खत्म कर दूं मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास है किसी की अंकुश ली क्यों कर रहा भाई क्लास है एक और आप लोगों की चलो कोई बात नहीं भाई मैं बस 5 मिनट लेता हूँ 5 मिनट रुक जाओ फिर चल जाना ठीक है 5 मिनट दो मुझे खाली बस ठीक है तो मैं क्या कह रहा था बच्चा आप लोगों को मैं ये कह रहा था मेरा हाथ है मान लो ठीक है इस हाथ में एक मेरे पास ये वेक्टर है मान लो यहां ड्रॉ कर रखा है मैंने और दूसरा वेक्टर यहां है ठीक है जी तो फिलहाल तो ये सेम प्लेन में नहीं है लेकिन अगर ये फ्री वेक्टर है तो पैरेलली शिफ्ट करके मैं इसे हाथ के अंदर ला सकता हूँ हाथ के अंदर ले आया तो सेम प्लेन में आ जाएंगे मेरे पास तो फ्री वेक्टर्स हैं मेरे पास तो मैं उन्हें पैरेलली शिफ्ट करके मैं एक प्लेन में ला सकता हूँ तो दो वेक्टर हमेशा कैसे हो जाएंगे बच्चा एक ही प्लेन में आ जाएंगे मेरे पास यानी को प्लेनर हो जाएंगे मेरे पास बात चमकी हाँ भाई जिसका डाउट था समझ में आ गया ठीक है भाई अब सुनो पहले ही चमक गई थी तो बस डाउट था ना बच्चे का यार तो सुनो अगर दो वेक्टर फ्री हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे ठीक है जी लेकिन अगर दो वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो दे मे बी कोप्लेनर और दे मे नॉट बी कोप्लेनर ठीक है जी तो उसका एग्जांपल बता देता हूँ जैसे कैसे बस एक मिनट और पढ़ा रहा हूँ छोड़ दूंगा कोई नहीं ये टॉपिक खत्म करना था मेरे को सुनो भाई अब ये वेक्टर देखो बच्चा ये वाली लाइन ठीक है और ये वाली लाइन क्या ये पैरेलल है जो मैंने पिंक से बनाई है बच्चा क्या ये पैरेलल है क्या नहीं है मैंने शीट सेंड कर दी अपने सर को ठीक है जी ये पैरेलल भी नहीं है देखो दो लाइन है ना दो लाइन है या तो वो इंटरसेक्ट करती हैं या वो पैरेलल होती हैं या वो एंटी पैरेलल होती हैं ठीक है जी एक तो कैटेगरी क्या है या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल या एंटी पैरेलल अभी तीसरी प्रजाति जो है मेरे पास इसे बोलता हूँ स्क्यू लाइन क्या बोलता हूँ स्क्यू लाइन ये तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्ट कर रही जो पिंक लाइन में ड्रॉ की है ना तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी ना ये पैरेलल है इन्हें क्या बोलता हूँ स्क्यू लाइन और ये स्क्यू लाइन क्या एक ही प्लेन लाइन कर रही है क्या ये क्या ये एक ही प्लेन लाइन कर रही है नहीं कर रहे एक ही प्लेन में लाइन ठीक है जी इसका मतलब दो वेक्टर जो लोकलाइज है बेसिकली वो दे मे बी कोप्लेनर दे मे नॉट बी कोप्लेनर ठीक है जी तो दो लोकलाइज वेक्टर दे मे बी कोप्लेनर और दे मे नॉट बी कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं दोनों कंडीशन हमारे पास वैलिड है ठीक है बच्चा अब ये आज का लेक्चर समझ में आया बच्चा आप लोगों को कल का टाइमिंग बता दो भाई कल 1 घंटा पढ़ा दूंगा फिर से बैकअप के लिए टाइमिंग बता दो सेम टाइम दे दूं कोई दिक्कत तो नहीं है 2:30 बजे करता हूं कल सेम पर 2:30 बजे शार्प पहुंच जाना सेम रहेगा मेरा ठीक है
ढाई बजे शार्प कल। चलो ठीक है, बाय बाय।